आप सीधा सीधा बोलो ना कि आप उसको लीडर बना रहे हो। पूरे अरब के अंदर हलचल मची हुई है, अरब के लिए हलचल मचती उसकी है जिसको वो मेहमान बना के ले जाते हैं। पहले जिसको 7 साल लेके गए, इसको माफी किसने दी थी? मेरी नजर में परवेज, जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी होनी चाहिए 3 वजूहात पे। एक जाली, और 2 नंबर मार्शाला लगा के मार्शाला की तोहिन करने के जुर्म में। नंबर 2 इफ्तिखार जैसे को पूरे अवाम पाकिस्तान में मुसलत करके इस कतलेआम का मेन किरदार बनाने में। और तीसरा मियां बरादरान को माफी देके दोबारा इस कौम पे इस तालिबान सोच को मुसलत करने का अजाब लाने के जिल्म। लेकिन खाली जल मुशरफ को क्यों सजा मिले, बाकी जो लोग उसके साथ थे उनको क्यों नहीं? ये तो उसी का अकेले का काम था। इफ्तिखार चौधरी उसके अकेले की च्वाइस थी, इसमें किसी की मुशावरत नहीं थी। आप चला लो इस पर मुकदमा, एक का भी आर्टिकल 6 सबसेक्शन 2 लगाना तो फिर जो चोर की सजा वो हमारी सजा। नवाज शरीफ को माफी उसका पर्सनली इकदाम था, लॉबिंग जरूर थी लेकिन इख्तियार सदर का ही था। अच्छा ठीक है। और मार्शाला चीफ मार्शाला एडमिनिस्ट्रेटर के रूप के अंदर 2 नंबर मार्शाला लगा के मार्शाला की तौहीन कर दी, कोई तरीका है?